लगने शुरू हो चुके हैं, कुर्सियां सजना शुरू हो गई हैं और ये तैयारियां किसी शादी समारोह या किसी फंक्शन की नहीं है, ये तैयारियां हैं एक बेटी की उपलब्धि हासिल करने की खुशी में। जी हाँ, हम सोनीपत में इस वक्त मौजूद हैं जहां पर अनु कुमारी के घर के बाहर हम खड़े हैं और अनु कुमारी हरियाणा की वही बेटी है जिसने UPSC में दूसरा स्थान हासिल किया है, दूसरा रैंक हासिल किया है, हरियाणा के लिए पूरे देश के लिए गर्व की बात है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ नेहा वाली और आप देख रहे हैं मैं बेटी हूँ। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम अनु कुमारी से आपकी मुलाकात करवाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने में कितनी मेहनत उन्हें करनी पड़ी और एक बेटी होने के नाते क्या कुछ जिम्मेवारियां उनकी बढ़ जाती हैं। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC 2017 के फाइनल रिजल्ट में हरियाणा की बेटी ने इतिहास रच दिया। कामयाबी की वो इबारत लिखी जिस पर पूरा हरियाणा गर्व करने लगा। पूरे देश में UPSC के रिजल्ट में अनु ने दूसरा स्थान हासिल किया। सोनीपत की शान अनु 4 साल के बेटे की माँ है, लेकिन कामयाबी की चाहत में जिगर के टुकड़े से दूर रहने का फैसला किया और जी तोड़ मेहनत की। उसी खामोश मेहनत का नतीजा ये हुआ कि मंजिल ने खुद आकर अनु के कदम चूम लिए। आज सफलता के शिखर पर बैठी अनु का ये सफर कठिनाइयों भरा था। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अनु कहीं नहीं डगमगाई। हर स्थिति में खुद को संभाला और एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसने उन्हें नई पहचान दे दी। अनु में उत्साह, लगन, जुनून और आत्मनिर्भरता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। कामयाबी की चमक उनकी आंखों में दिखाई देती है। ये मुकाम हासिल करने के लिए अनु अपने 4 साल के बेटे से भी दूर रही और मौसी के पास रहकर मेहनत इतनी खामोशी से की कि आज उनकी सफलता पूरे देश में शोर मचा रही है। हरियाणा की बेटी ने संघर्ष का एक लंबा दौर देखा, कभी पढ़ाई छोड़नी पड़ी तो कभी नौकरी, लेकिन अनु के हौसले के आगे सब पीछे रह गया और UPSC में दूसरा नंबर हासिल कर प्रदेश को नई पहचान दे दी। तो चलिए सीधा अनु कुमारी से मिलते हैं, देखिए सपनों के साकार होने के संघर्ष की कहानी। तो इस रिपोर्ट में आपने अनु के बारे में जाना और सीधा अब आपको अनु से मिलवाते हैं। अनु, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। थैंक्स नेहा। तो अनु, स्वागत के साथ साथ बहुत बहुत सी बधाइयां आपको खबरें अभी तक की पूरी टीम की ओर से और सभी दर्शकों की ओर से, क्योंकि जो उपलब्धि आपको मिली है वो काबिले तारीफ है और मेहनत का ही नतीजा है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है मैं बेटी हूँ, एक बेटी होने के नाते कितनी जिम्मेवारियाँ आपके ऊपर थी? देखिए, एक बेटी होने के नाते तो मैं कहूँगी कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा नहीं थी, बल्कि मुझे प्यार काफ़ी मिलता था। तो वहाँ पे तो आई वॉज द केयर टेकर, कि मुझे आई वॉज द रिसीवर ऑफ केयर। माँ बाप भाई बहन सबसे बहुत प्यार मिलता था। हाँ, एज अ बहू मैं कहूँगी कि काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। लेकिन आज हम जिस तरीके से अनु आपके जीवन का सफ़र जानेंगे और एक बेटी होने के नाते आपने कहा जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा नहीं होती क्योंकि कंफर्ट मिल जाता है कहीं ना कहीं घर पर, और एक बहू हैं आप, एक माँ हैं आप, एक पत्नी हैं आप, और इतने सारे किरदारों के साथ इतनी मेहनत आपने की कि कह सकते हैं इतनी खामोशी से आपने मेहनत की कि अब आपकी जो ये उपलब्धि है वो शोर मचा रही है, कैसा आपको इस वक्त फील हो रहा है? थैंक्स नेहा, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इनफैक्ट खुद की खुशी से ज़्यादा जब मैं ये सुनने को मिल रहा है कि आई विल एक्ट एज एन इंस्पिरेशन, कि बहुत लोगों के लिए मैं एक प्रेरणा बनूंगी, वो चीज़ जान के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आज मैं सुबह एक प्रोग्राम में गई थी जहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ थी और वो मेरे साथ सेल्फी खिंचवा रही थी और वो बहुत रिस्पेक्ट दे रही थी। तो वो जो वाकया है, वो जो काइंड ऑफ इंस्पिरेशन जो मैं उनको दे पाऊँगी, उससे मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिल रही है। चलिए अनु, शुरुआत से जानते हैं क्योंकि ये उपलब्धि सबके सामने है और इस उपलब्धि से ही आपको सभी जानते हैं, पूरे देश भर में अब लोग जानते हैं आपको। तो जब शुरुआत की, क्योंकि जिस तरीके से आपने 1.5 साल मेहनत की और सेकंड रैंक आपका आया है, सेकंड टॉपर है, यानी कि शुरुआत से ही आप काफ़ी इंटेलिजेंट रही होंगी पढ़ने में, तो क्या कभी सोचा था कि मुझे जीवन में, आपका लक्ष्य क्या था, एम क्या था, क्या सोचा था? देखिए, जब मैं स्कूल टाइम में थी और ग्रेजुएशन वगैरह कर रही थी तो हाँ, कभी कभार बिकॉज़ मैं थोड़ी ब्राइट स्टूडेंट रही थी थ्रू आउट माई स्कूल एंड कॉलेज, तो मतलब कई बार ये आता था मन में कि हाँ, मुझे सिविल सर्विसेज कर लेना चाहिए, लेकिन उस समय फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी तो मैंने MBA करके सोचा कि मैं एक जॉब ले लूँ ताकि मैं फाइनेंशियली खुद को और अपने परिवार को सिक्योर कर सकूँ, फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। उसके बाद जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर में मैं जॉब करती गई, तो वो वाला जो थॉट था सिविल सर्विसेज करके देश की
सेवा करना, समाज के लिए कुछ करना एंड उससे खुद को इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो, वो वाली फीलिंग काफ़ी स्ट्रांग होती चली गई थी। दर्शक ही और साथ साथ जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी जानना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में और जिस तरीके से आपने मेहनत की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पढ़ाई करते हैं बच्चे दिन रात, बहुत सारी ट्यूशंस लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, लेकिन आपने जो किया है उसमें एक बड़ा उदाहरण आप इसलिए भी बनती हैं क्योंकि बिना कोचिंग लिए आपने ये जो लक्ष्य है हासिल किया है, उपलब्धि हासिल की है। तो इतना जो मेहनत आपने की, इतना जो परिश्रम आपने किया, इसका श्रेय आप किसे देती? देखिए, परिश्रम और मेहनत का तो मतलब इस सक्सेस का श्रेय तो मैं अपनी माँ, मासी, पूरे परिवार और अपने फ्रेंड्स, इन सबको देना चाहूँगी। और बाकी जैसा आप कह रही हैं कि बिना कोचिंग के करने के बजाय भी मैं कर पाई, तो उसके लिए मैं आज के जो दिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हमारे सामने इतने आ गए हैं कि वो स्टूडेंट्स को घर बैठे बेस्ट ऑफ द मटेरियल, बेस्ट ऑफ द एडवाइस एंड गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, मैं उसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। और ख़ासकर हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बच्चे हैं जो दूर दराज के इलाकों में रह के तैयारी करना चाहते हैं बिना दिल्ली आए, बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, तो मैं उनके लिए ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी कि ये संभव है, ये पॉसिबल है। अपने आप को ऐसा महसूस मत कीजिए कि मैं बहुत दूर रह रहा हूँ, तो आई एम रियली डिप्राइव्ड। जितना हमने आपके बारे में जाना या जितना अभी तक पता चल पाया है, तो जब आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, काफ़ी गैप आ गया था उस दौरान, और दोबारा से स्टडीज़ को कंटिन्यू करना कितना मुश्किल रहा? इट वॉज ए चैलेंज, आप सही कह रही हैं, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन किए हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं और MBA पास आउट किए मुझे 10 साल हो चुके थे, और स्पीड मुझे राइटिंग स्पीड मेरी स्कूल के दौरान भी थोड़ी कम ही थी, और इतने समय के बाद तो लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं रही थी क्योंकि जॉब में इट वॉज़ ऑल टाइपिंग, सो आई हैव गुड टाइपिंग स्पीड, लेकिन लिखने की आदत छूट चुकी थी। और दोबारा से वो स्टूडेंट लाइफ में आना फ्रॉम बींग अ मदर, बहू एंड ऑल, तो इस गैप के कारण चैलेंज था, टफ था, और वो काफ़ी मेहनत के बाद ही ओवरकम हो पाया। मुझे लगता है अनु, इस चैलेंज के साथ साथ एक और चैलेंज भी शायद आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा था कि पारिवारिक सपोर्ट आपको हमेशा से मिला है और जिस घर की बेटी हैं उन्होंने बहुत हमेशा सपोर्ट किया है, लेकिन अगर ससुराल वालों की बात की जाए, क्योंकि वहाँ पर जब हम एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं वहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्या उनकी तरफ से हमेशा सपोर्ट मिला आपको? आप सही कह रही हैं, ये जो माहौल होता है फ्रॉम बीइंग अ बेटी टू अ बहू, ये डिफरेंस ही काफ़ी वाइड होता है। आप घर पे जब रहते हैं तो आपके माँ बाप आपको पैम्पर कर रहे हैं और आपको सब फैसिलिटीज़ और सब कुछ आपकी केयर कर रहे हैं लोग, लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो लड़की एक केयर गिवर में परिवर्तित हो जाती है, तो बहू के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थैंकफुली मुझे अच्छा परिवार मिला है और उन लोगों ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं जॉब छोड़ के तैयारी करना चाहती हूँ, तो उन लोगों के लिए भी एक ये था कि एक अच्छी सी लुक्रेटिव फाइनेंशियल जॉब वो छोड़ के कर रही है, बट थैंकफुली मुझे मेरे हस्बैंड और इन लॉज दोनों ने सपोर्ट किया। 9 साल करीब आपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की है, अच्छी खासी सैलरी आपकी थी, और उस टाइम पे ये डिसीजन लेना कि जॉब छोड़ दी जाए और तैयारी की जाए UPSC की, क्योंकि डिफरेंस भी काफ़ी है आपने जब स्टडीज़ छोड़ दी हैं, तो जब आपने ये आप इस डिसीजन पे पहुंची कि मुझे अब ये करना है और मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो उसके लिए आपके लिए चैलेंज था, परिवार के लिए भी चैलेंज था, तो जब घर वालों से ये बात की तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रही उस समय? शुरुआत में थोड़ा सा रिलक्टेंस था क्योंकि सभी को विश्वास भी नहीं होता है, UPSC इज़ अमंग द टफेस्ट एग्ज़ाम इन द कंट्री, तो उन्हें मतलब उन्हें क्या, सभी लोगों को ये भरोसा भी नहीं होता है कि इसके पास 2 ही अटेम्प्ट बचे हैं, अब ये इस उम्र में सोच रही है करने का, तो थोड़ा सा रिलक्टेंस था। तो टू बी ऑन द सेफर साइड मुझे ये एडवाइस दी गई थी कि पहले कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम निकाल लो, तो इसके लिए मैंने SSC का फॉर्म भी फिल कर दिया था और SSC CGL में मेरा 35 रैंक आया था, वो लगभग बिना प्रिपरेशन के ही दिया था, वो थोड़ा आसान एग्ज़ाम होता है, तो वो करके मैं थोड़ा सा सेफ साइड पे हो चुकी थी कि गॉड फॉरबिड अगर ये क्लियर नहीं होता है तो चलो मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन है एक सरकारी जॉब के रूप में, और अगर ये भी नहीं होगा तो मुझे अपने माइंड में क्लियर था कि मैं टीचिंग टेकअप कर लूँगी, बट हाँ कन्विंस करना थोड़ा टफ रहा था एंड शुरुआत में थोड़ा रिलक्टेंस था, ग्रेजुअली दे अग्री। काफ़ी प्रतिष्ठित एग्ज़ाम है ये UPSC सिविल सेवा, और जब इसके लिए आपने सोचा तो आप बता रही हैं काफ़ी चैलेंजेस रहे, लेकिन आप अड़िग रही क्योंकि आपका लक्ष्य आपके सामने था और आपने सोचा था कि मुझे इस तक पहुंचना है, लेकिन उस बीच इमोशनल जो हमारे इमोशंस होते हैं वो भी शायद कहीं ना कहीं बीच में आए होंगे, क्योंकि दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि अनु के पास 4 साल का बेटा है और इस दौरान अपने बेटे से दूर रहना पड़ा, वो कितना मुश्किल था?
दैट वॉज द टफेस्ट पार्ट. मेरे लिए सबसे मुश्किल यही था, इमोशनली चैलेंजिंग था. मैं वैसे भी थोड़ी इमोशनल पर्सन हूँ और बेटे से दूर रहना, मैं जब इस घर से अपनी मासी के घर जाती थी मैं हमेशा रोते हुए जाती थी, पूरा रास्ता रोते हुए जाती थी. और ये रहता था कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब मिलना होगा. और मेरा मेरे बेटे से मिलना तभी हो पाता था जब मैं 2016 का प्री देने के लिए आई गाँव से, या फिर 2017 का प्री और मेंस देने के लिए आई. तो ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था. हाँ, ओवरकम करने के लिए फिर पहले मैंने सोचा कि मैं उससे डेली वीडियो चैट कर लेती थी, माँ से पूछ लेती थी कि माँ नया क्या हो रहा है, क्या नए शब्द सीख रहा है, कर रहा है. लेकिन ग्रेजुअली आई रियलाइज कि मैं जितना ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान दे रही हूँ ये मेरे लिए एक रुकावट बनता जा रहा था. सो मैंने फिर वो टोटली कट ऑफ कर दिया था. देन आई स्टॉप्ड कॉलिंग माय होम. मैंने अपनी माँ से, परिवार से, मैं किसी से बात ही नहीं करती थी. फिर मैंने कनेक्शन, हाँ, कि अगर मैं कनेक्टेड रहूँगी तो शायद मेरा ध्यान भटकेगी और हाँ पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी. फिर मैंने टोटली कट ऑफ कर दिया और हर समय माइंड में यही आया कि अगर दूर बैठ के भी तुम उसी के बारे में सोचती रहोगी तो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस. अनु, जो समय था, क्योंकि 1.5 साल की दूरी आपने बनाए रखी, उस समय आपका बच्चा भी छोटा था, वो नई नई चीज़ें सीख रहा था, स्कूल में जाता होगा तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उसके पास होते होंगे शेयर करने के लिए. आपका मन भी होता होगा कि मैं उससे जानूं क्या वो नया सीख रहा है या मैं उसे कुछ सिखाऊं, तो एक मन में अजीब सी हलचल रहती होगी. लेकिन उस पर काबू पाकर अपने लक्ष्य पर फोकस रखना, वो किस तरीके से किया? मैं जैसे आपको वही बता रही हूँ, मैंने कुछ कुछ वीडियोस का सहारा लिया. मेरा भाई उसकी वीडियोस रिकॉर्ड करके, जब भी वो कुछ फ़नी या कुछ डिफरेंट कर रहा होता था वो वीडियोस रिकॉर्ड करके भेज देता था, देख तेरा बेटा कुछ नया ही कर रहा है. जब भी मैं थोड़ा लो फील करती थी, बैठे बैठे ज़्यादा याद आती थी, तो मैं उसकी वीडियोस ज़रूर चला के देख लेती थी. और लेकिन धीरे धीरे मैंने ये कम कर दिया था क्योंकि ऐसा ही लग रहा था ये ज़्यादा करने से मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी और अपने लक्ष्य से थोड़ा यू नो डिफर करूँगी. और माइंड में यही रहा कि अल्टीमेटली आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर हिज फ्यूचर ऑल्सो. एक बार ये वाली स्टेज निकल जाए तो फिर साथ रहने को भी मौका मिलेगा. बिल्कुल अनु, आप एक बेटी के साथ साथ, एक पत्नी के साथ साथ एक अच्छी माँ का बहुत अच्छा उदाहरण है. और इसी के साथ अपने भाई का आपने जिक्र किया कि वो वीडियोज़ बनाता था, आपको दिखाता था. और आपके पिताजी से मेरी कुछ देर बात हुई, उन्होंने बताया कि आपका भाई हमेशा आपसे कनेक्टेड रहता था, कोई भी नई अपडेट उसके पास आती थी तुरंत आपके पास भेजता था. तो कहीं ना कहीं इस सफलता में उसे भी श्रेय जाता है. बिल्कुल बिल्कुल नेहा, स्पेशली मेरे छोटे भाई ने मेरी बहुत मदद की है. प्रिलिमिनरी के प्रिपरेशन के दौरान आपको बहुत एक्सटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है, तो ये मैं अपने दर्शकों से और उन एस्पिरेंट से जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल हेजिटेट मत करिए. सीक हेल्प फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स, जहाँ से भी आपको मदद मिल सके मदद लीजिए. मेरा भाई मेरी बहुत तरीके से मदद करता था. मैं उसे व्हाट्सएप कर देती थी कि ब्ला 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 टॉपिक्स आप मुझे क्लियर कर दो, तो वो एकदम लेमैन टर्म्स में बहुत ढूंढ ढांड के सबसे जो आसान एक्सप्लेनेशन होती थी कॉन्सेप्ट्स की वो मुझे वो सेंड कर देता था. एंड आई एम टेलिंग यू, खाना खाते टाइम एंड यू नो कुछ भी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करते टाइम मैं स्क्रॉल डाउन करती रहती थी, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ती थी और रिवाइज कर लेती थी. तो इससे मेरी बहुत हेल्प हुई और बहुत टाइम सेव हुआ. ये तो रही भाई की बात, इस बीच बात आती है पति की, हस्बैंड की, जीवन साथी की, क्योंकि उनका सपोर्टिव होना, क्योंकि एक घर में, जिस घर में हम पैदा होते हैं, बेटी का जो घर होता है वहाँ पर पिता का सपोर्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर वो साथ हैं तो लगता है दुनिया पाली, हम तैयार होते हैं हर चीज़ को करने के लिए. लेकिन अगर जब हम दूसरे घर चले जाते हैं तो वहाँ पर जीवन साथी हमारा सपोर्ट बने, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कितना साथ दिया? देखिए, मेरे हस्बैंड का भी काफ़ी साथ रहा. पहली बात, उनका इस चीज़ के लिए अग्री कर जाना कि मैं अपना अच्छी खासी जॉब छोड़ के और अभी सडनली प्रिपेयर करना शुरू कर दूँ, ये काफ़ी बड़ी बात थी. और उन्होंने मुझे ये एडवाइस भी दी कि पहले कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम दे के देख लो ताकि यू गेट टू अंडरस्टैंड कि अभी वो झील बची है पढ़ाई की, कर सकती हो या नहीं. और उसके बाद भी उन्होंने मुझे वो घर छोड़ के अपनी माँ के घर आके पढ़ने के लिए अग्री किया. सो दैट इज़ क्वाइट नाइस ऑन हिज पार्ट. मैं सिर्फ अपने बेटे से ही दूर नहीं रही हूँ, अपने हस्बैंड से और अपने इन लॉज से भी 1.5-2 साल से दूर रह रही हूँ. तो उन्होंने अपने इनकरेजिंग वर्ड्स के साथ और मेरे डिसीजन को सपोर्ट करके उन्होंने भी मेरा साथ दिया. तो अनु, जब आपकी आपको ये पता चला कि मुझे 1.5 साल तक दूर रहना है और मुझे तैयारी भी करनी है, तो उस दौरान आपका पारिवारिक सपोर्ट आपके साथ था और आपने कहा कि मैंने ये सोच लिया था कि बच्चे से दूर रहना है, दूरी बनाए रखूंगी तो शायद मैं अच्छा कर पाऊंगी, तो स्टडीज़ को कितना आपने उस दौरान टाइम दिया?
देखिए स्टडीज़ पे ही सारा फोकस था नेहा, जिस समय मैं प्रिपेयर कर रही थी मैं 10 से 4 के बीच लगभग सोती थी, ये मेरा रूटीन था, और 4 बजे उठ के मैं पढ़ाई स्टार्ट करती थी, और उसके बाद सारा दिन 4 से 10 बजे का जो समय होता था एक्सेप्ट फॉर हाफ एन आवर नैप एंड बाकी जो सारा समय होता था वो पढ़ाई में ही जाता था। इसमें मेरी मासी ने मेरी इतनी मदद की है कि मैं लैपटॉप पर पढ़ रही होती थी और मेरे सामने खाने की थाली आ जाती थी और मैं अपना रोटी खाते खाते मैं स्क्रीन देखते देखते पढ़ती रहती थी। मुझे लगता है जितना सपोर्ट आपको फैमिली से मिला है आप बता रही हैं उसमें आपको भी श्रेय जाता है, क्योंकि सबको उम्मीद थी आपसे कि अनु एक दिन कुछ ना कुछ करके दिखाएगी, और दर्शकों अनु ने करके दिखाया है, सेकंड टॉपर हैं ऑल इंडिया में, सबके लिए गर्व की बात है, आपके लिए, हमारे लिए, हरियाणा के लिए और देश के लिए। अनु हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप देख रहे हैं मैं बेटी हूँ, और अनु की कामयाबी का मंत्र जो कि हमने बोला था कि जानेंगे, तो अनु आपकी कामयाबी का मंत्र बताइए दर्शकों को। देखिए मंत्र का तो यही है, परसीवरेंस इज़ द की टू सक्सेस। जो कंसिस्टेंसी होती है आपकी एफर्ट्स में वो बनी रहनी चाहिए, और आपका माइंड एकदम आपके गोल पे फोकस्ड होना चाहिए। तो मैंने एक चीज़ जानी, जिस तरीके से अभी आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो आपने कहा था कि आपने कोचिंग नहीं ली, आपने इंटरनेट के ज़रिए पढ़ा, तो आजकल जिस तरीके से हम इंटरनेट के कारण हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं और उन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए, एक अच्छा उदाहरण है उनके लिए, घर बैठे स्टडीज़ के लिए आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मुझे लगता है कि आप कहेंगी तो शायद बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ेगा इसका। हाँ बिल्कुल, मैं आप सभी को कहना चाहूँगी किसी भी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स, फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं, और ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसकी किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया के बिल्कुल वाकई नुकसान भी हैं, काफ़ी गलत फ़ायदे उसके उठाए जाते हैं, तो आप सबसे अनुरोध करूँगी कि उसका सही फ़ायदा उठाइए, सही इस्तेमाल कीजिए, ताकि हम भी और देश सब आगे बढ़ सकें। अनु एक चीज़ और हमने जानी कि IFS और IAS में से आप IAS को चूज़ कर रही हैं और आप देश की सेवा करना चाहती हैं, लेकिन IAS ही क्यों? देखिए IAS में आपको देश में रह के अपने देश के लोगों के लिए वहीं रह के काम करने का मौका मिलता है। IFS भी काफ़ी प्रेस्टीजियस है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे IAS ज़्यादा चैलेंजिंग और ज़्यादा चुनौतियों से भरा हुआ और अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ लगता है, इसलिए IAS मेरी पहली पसंद। आप IAS करना चाहती हैं ताकि आप समाज में रहकर, देश में रहकर देश की सेवा कर सकें। आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आपके पिताजी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ती गई, आपके इंटरव्यूज़ हुए, आपका एग्ज़ाम हुआ, तो आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो उसका एक क्या कारण रहा? क्योंकि जिस तरीके से आप आगे बढ़ी हैं वो एक बड़ा कारण है, लेकिन और क्या कुछ चीज़ें रही जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ा? क्योंकि बच्चे ज़्यादातर हेजिटेट हो जाते हैं इस दौरान, इतनी तैयारी उन्हें करनी पड़ती है कि कहीं ना कहीं एक डर उनके मन में बैठ जाता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। देखिए आई थिंक जैसे जैसे मैं तैयारी करती रही तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आते रहे। जैसे मैंने वो 1.5 महीने की प्रिपरेशन से प्री दिया था, उसमें मेरा 1 नंबर से रह गया था, तो वो मुझे थोड़ी अच्छी चीज़ लगी कि बहुत कम समय में अगर तुम इतनी नज़दीक पहुंच सकती हो तो 1-2 नंबर की इम्प्रूवमेंट करना और फेल होने की बजाय पास हो जाना संभव है, पॉसिबल है। तो जैसे जैसे मैं मेहनत करती रही और पॉजिटिव रिजल्ट्स आते रहे, उससे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जिस तरीके से आपने बताया कि 1 नंबर से, 1 अंक से आप रह गई, शायद कोई और होता तो एक नेगेटिविटी मन में आ जाती है कि 1 नंबर से मैं छूट गई या 1 नंबर से मैं रह गई, लेकिन जितनी बात मैंने आपसे अब तक की है एक पॉजिटिविटी मुझे खुद महसूस हो रही है, तो आप लगता है शुरू से ही पॉजिटिव रही हैं, और एक वो कारण भी रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता रहा, आपने कभी चीज़ों को नेगेटिव नहीं लिया। हाँ नेहा, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, इफ़ आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब माई सेल्फ यूजिंग 1 वर्ड तो वो वर्ड होगा ऑप्टिमिस्टिक। आई एम होपलेसली ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ, एक प्यारा सा थॉट है और उसे बोलते हैं दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। जब आप मुश्किलों में हो तब सोचिए कि ये वक्त भी हमेशा नहीं रहने वाला है, ये गुजर जाएगा। इस तरीके का अगर थॉट माइंड में रहता है तो नेचुरली पॉजिटिविटी आती है, तो इस तरीके के थॉट्स के साथ आई थिंक मैंने पॉजिटिविटी को बनाए रखा। बहुत अच्छी और बहुत ही खूब बात आपने कही है, मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शक भी आपके इस थॉट पर चले, इस थॉट को अपनाएं। लेकिन जब आप तैयारी कर रही थी और जब आपने एग्ज़ाम दिया, क्या सोचा था कि मैं टॉप 10 में आ पाऊँगी? नहीं नेहा, मैंने ये नहीं सोचा था, मुझे तो बस इतना ही था कि भगवान की कृपा से लिस्ट में नाम आ जाए। पहला यही होता है कि मैं चयनित हो जाऊँ और मैं सिलेक्ट हो जाऊँ, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। बिल्कुल, बस चयन हो जाए और वही बहुत बड़ी बात होगी। हाँ। काफ़ी प्रतिष्ठित परीक्षा है ये, मुझे इतना नहीं था, लेकिन मेरा छोटा भाई, मेरे पापा जी और मेरी बहन,
वो जरूर ये कहते थे तू टॉप 10 में आएगी, तू टॉप 10 में आएगी। तो उन्हें उम्मीद थी, उन्हें कॉन्फिडेंस था, शुरू से कॉन्फिडेंस था उन्हें, कॉन्फिडेंस था। आईएएस बनने के बाद एरिया ऑफ फोकस आपका क्या रहने वाला है, किन किन चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करेंगी? लेकिन हालांकि आप पहले बता चुकी हैं कि महिलाओं के और आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, लेकिन इसके अलावा क्या क्या आपके एरिया ऑफ फोकस रहेंगे? देखिए नेहा, ये बहुत वास्ट फील्ड है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो जिनमें से जो कुछ मुख्य क्षेत्र होते हैं जो किसी भी देश के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वो है एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और लोगों की सेहत का ख्याल रखना। तो ये दो मेरे फोकस एरियाज रहेंगे ताकि हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहे। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया था वेमेन एंड चिल्ड्रन, हमारी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, वो फोकस एरिया रहेगा। एंड फाइनली एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि गवर्नमेंट जॉब में जनरली ये माना जाता है कि सरकारी लोगों को ज़्यादा उसकी नहीं पड़ी होती है कि औरों का काम बन रहा है या नहीं, बस 9 से 5 की जॉब सोच बनी हुई है कि बड़ा ही लेथार्जिक एटीट्यूड होता है। तो वहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, इन चीज़ों की तरफ फोकस करना चाहूँगी। बिल्कुल सही कहा अनु आपने, हरियाणा की जो बेटियां हैं, आपकी जैसी जो बेटियां हैं, क्योंकि विश्व सुंदरी की बात कर ली जाए, खेल जगत की बात कर ली जाए, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने भी मेडल आए हैं उसमें ज़्यादातर मेडल्स हरियाणा की बेटियां लेकर आई हैं, तो सोच बदल रही है और सोच का दायरा बदल रहा है। आप हरियाणा की बेटी होने के नाते और आप अब शान बन चुकी हैं हरियाणा की, उन बेटियों में आपका भी नाम शामिल है, तो हरियाणा के जितने लोग हैं उन्हें क्या संदेश देंगी? देखिए बिल्कुल मेरा पूरी हरियाणा वासियों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप सब अपनी बेटियों को बहुत बहुत प्रोत्साहन दीजिए। मनु भाकर और छिल्लर और साक्षी मलिक और बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, और इसे ये भी साबित होता जा रहा है कि बेटियां सिर्फ एक लायबिलिटी नहीं है बल्कि वो आपके लिए एक एसेट बन सकती हैं, वो आपका नाम ऊंचा कर सकती हैं। तो भाइयों, बहनों, माताओं, पिताओं, आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, उन्हें पढ़ाइए, उनकी हेल्थ का ख्याल रखिए, उन्हें जॉब्स करवाइए, उन्हें ऊँचे सपने देखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। मेरा आप सभी को यही। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि चैलेंजेस तो सबके सामने आते हैं, लेकिन इतने चैलेंजेस के बाद भी आप यहाँ तक पहुँची हैं और उसमें एक स्ट्रेंथ आपकी कहीं ना कहीं आपका बेटा है, तो हम चाहेंगे कि अपने हमारे जितने दर्शक हैं उनसे अपने बेटे को एक बार ज़रूर मिलवाएं आप। श्योर। तो अनु के साथ उनका बेटा है वियान, और वियान के साथ उन्होंने दूरी बनाए रखी, लेकिन आज जिस मुकाम पर वो पहुंच चुकी हैं, जो उपलब्धि अनु आपने हासिल की है, मुझे लगता है जब वियान ये समझने लायक होगा या बड़ा होगा तो वियान से ज़्यादा गर्व किसी को नहीं होगा। सही कह रही है नेहा, आई होप कि वो बहुत खुश होगा जब वो इस चीज़ को समझने लायक हो जाएगा। अभी तो वो बोल रहा है कि हाँ हमारे घर में शादी है इसलिए सब आ रहे हैं। वियान, आपके घर इतने सारे लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? वियान, क्या हो रहा है घर में? बोलो बोलो बोलो। तो आप आज जिस कामयाबी तक आप पहुंची हैं, जो उपलब्धि आपको मिली है, मुझे लगता है कि वो फासला अपने आप ही कम हो गया। तो अनु, जाते जाते हमारे दर्शकों को, जितनी भी बेटियां हैं, जितने भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जितने भी माता पिता हैं, उन्हें क्या संदेश देंगी आप? मेरा सभी एस्पिरेंट्स को यही मैसेज रहेगा कि मेहनत करते रहिए, लगन बनाए रखिए और अपना सारा ध्यान अपने फोकस एम पे रखिए। जो छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस होती हैं, आप उन सभी को ओवरकम कर सकते हैं बशर्ते आप मेहनत करते रहें। तो बहुत सही कहा अनु आपने कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जिस तरीके से अनु आज हमारे साथ जुड़ी, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा उदाहरण है। और जितनी भी बेटियां इस कार्यक्रम को देख रही हैं, जितने भी बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जितने भी परीक्षार्थी या फिर जितने भी माता पिता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मुझे लगता है सभी को अनु पर गर्व होगा और हर कोई चाहता होगा कि अनु जैसी बेटी उनके घर पर भी हो। तो आज के मैं बेटी हूँ इस खास कार्यक्रम में अनु से आपने मुलाकात की और जाना कामयाबी का मंत्र। चलिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।